ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है पूरा, ये देखिए सब जो स्कूटी राम के मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर सकते तो हैं। आज मैं शेर के बगल में खड़ी हुई हूँ। ये है महापरिनिर्वाह मंदिर और ये बुद्ध जी का कीबोर्ड्स होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उसका ये पूरा बना हुआ है। तो उनका नहीं पूरा हो रहा है तो ये यहाँ पर आप लोग ताजमहल देख सकते हैं कि बिहारी मंदिर है। ये देखिए कितना सुंदर सा है। नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडो बिटिया में और मैं हूँ शिवांगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अच्छी सी जगह आ गई हूँ। तो आई कहाँ हूँ अभी आप लोगों को बताती हूँ, तो पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, वैसे ये वो जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ना, इस पर ना बहुत लोगों ने वीडियो बना दिया है, बट हो सकता है मेरे फैमिली ना जो मेरे चैनल पे जुड़ी है ना, उन्होंने अब तक नहीं देखा होगा, उनको आइडिया नहीं होगा, तो सिर्फ उनके लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो अभी बहुत ज़्यादा लखनऊ में धूप हो गई है, मेहनत करी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आई हूँ यूपी दर्शन पार्क में, जो अम्बेडकर पार्क है उसके जस्ट सामने बना हुआ है। तो बाहर से तो बड़ा सुंदर लग रहा है, अभी अंदर चलते हैं और यहाँ का पूरा आपको सब कुछ बताते हैं। त्रिशूल विशूल भी बना है आगे, अभी आगे आप लोगों को थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो दिखाते हैं। उससे पहले हम यहाँ का जरा थोड़ा सा एक ना शॉर्ट वीडियो भी बना लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप लोगों को ना बड़ा सा त्रिशूल देखने मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग में बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये ना राम मंदिर आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ये देखिए। तो अभी तक अयोध्या जाके दर्शन तो नहीं कर पाई हूँ, तो यहीं से देख लेती हूँ राम मंदिर। उसके बाद यहाँ से दो तरफ से एंट्री है, मैं इधर वाले में जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी दर्शन पार्क। तो उसके बाद ना यहाँ से जाते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग गेट ये है ऐसा, और इस पे लिखा हुआ है यूपी दर्शन पार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उसके बाद जब यहाँ से जाएंगे ना तो इस साइड आप लोगों की है पार्किंग, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए यहाँ पे नहीं पड़ेगा। चाहे आप स्कूटी पार्क करिए, चाहे आप बाइक पार्क करिए, चाहे आप कार पार्क करिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ना ये वाला एरिया ना फूड कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ना खाना पीना खा सकते हैं। शायद जो भी है यहाँ पे फूड एरिया है ये, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में फूड एरिया ही मिल जाएगा। तो आराम से यहाँ पे देखिए बैम्बो के स्टिक से बिल्कुल झोपड़ी बनाई गई है, तो यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबल लगी हुई है, बिल्कुल गाँव में जैसे नहीं लोग बैठते हैं ना चेयर टेबल में, उस टाइप की फीलिंग आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये इनका बना हुआ है। और जब अभी स्टार्ट और अंदर चलेंगे ना, तब आप लोगों को अभी एक टिकट प्राइस भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है टिकट प्राइस, जो 12 से लेके 60 साल के वर्ष के जो लोग होंगे उनका 100 रुपये पर पर्सन टिकट पड़ेगा, और सीनियर सिटीज़न जो रहेंगे 60 साल के ऊपर वाले लोग उनका 50 रुपये पड़ेगा। और जो बच्चे होंगे ना, यहाँ पे बच्चे भी जो होंगे, और जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं ना, नन्हे वाले बच्चे हैं ना, उनकी फ्री बस एंट्री है, बाकी सबका यहाँ पर टिकट पड़ेगा। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर 2 टिकट है, 1 और 2। तो ये यहाँ पर देखिए टिकट है, यहाँ पर मैम बैठी हुई हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये टिकट घर भी जो बना हुआ है ना, ये भी देखिए कितना सुंदर है, ऑरेंज ऑरेंज कलर में पेंट किया गया है, तो ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है। और इसके अंदर चलते हैं, और मैंने भी ले लिया है टिकट। देखो भैया, कोई यूट्यूबरों को कोई फ्री सुविधा नहीं मिली है मुझे, तो मैंने टिकट ले लिया है। अभी ये देखिए यहाँ का पूरा लुक, मैंने सोचा आई हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पर एंट्री करेंगे ना तो यहाँ पर आपको थोड़ी हरियाली देखने मिलेगी, और मेरे साथ कोई नहीं आया है आज, मैं ना अकेले आई हूँ, तो वरना मैं यहाँ पर चलती थोड़ा टहलते टहलते आप लोगों को दिखती मैं। तो ये हरियाली है, अरे अभी मैं भी चलूँगी ना, पहली बार मैं भी आई हूँ तो मुझे भी ढूंढना डांटना पड़ेगा। वो फोटोज़ वोटोज़ में तो लोग मतलब वीडियोज़ में तो बहुत देखा है, सुंदर तो बना है पहले से भी, पता है कि हाँ भैया जब इतनी सारी चीज़ें बन रही है, मॉन्यूमेंट्स बन रहे इतने सारे, तो फिर ये पार्क अच्छा ही रहेगा। और थोड़ा सा हाँ, टिकट प्राइस मुझे थोड़ा सा यहाँ का ज़्यादा लग रहा है। तो जब यहाँ से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे देखिए ये चेयर, देखिए चेयर बढ़िया है यहाँ पे, तो बढ़िया से आप बैठ सकते हैं, चेयर सबसे बढ़िया यहाँ की। तो ये देखिए ये यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, थोड़ा कमेंट्स करके बता दीजिए आप लोग। वैसे मुझे पता है, मैं भी आप लोगों को अभी बता देती हूँ थोड़ा आप लोग भी मुझे बताइए। झांसी का किला है ये पूरा, ये देखिए यहाँ पर,
और ये ना यहाँ पर देखिए हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी, झांसी का किला इतिहास लिखा हुआ है, तो इसमें पूरा शहर के बारे में बताया गया है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर देखिए झांसी का किला बना हुआ है, तो बच्चे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ना उन लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, ये तो है। और चलते हैं, और क्या क्या है यहाँ पे, किधर जाएं फ्रेंड, झांसी का किला तो दिखा दिया है, साथ में देख लीजिए यहाँ पे ताजमहल। तो आगरा जा तो कभी पाएंगे नहीं, मेरा तो सपना कभी भैया पूरा नहीं होगा कि हम आगरा आगरा जाके ताजमहल देखें, तो लखनऊ वाले यहीं आके देख लो, जो लोग हमारी तरह है सपना उनका नहीं पूरा हो रहा है। तो ये यहाँ पर आप लोग ताजमहल देख सकते हैं जो बड़ी सुंदर है। कोई हमारे साथ होता ना तो हमारी फ़ोटो क्लिक करता, हमारे साथ कोई है नहीं, बट कोई बात नहीं, आप हमारा वीडियो देखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाने आए हैं। ये है यहाँ पर ताजमहल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इसके बारे में इतिहास लिखा है, बच्चे आकर यहाँ खड़े होकर पढ़ सकते हैं। ये एक प्रेम कथा के ऊपर आधारित है, तो ये देख लीजिए ताजमहल। ठीक, और चलते हैं, पहले मैं बनाऊंगी लॉन्ग वीडियो, उसके बाद में बनाऊंगी शॉर्ट वीडियो। तो जैसे जैसे एक एक चीज़ देखते जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हरियाली देखने मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया सी, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपका मन ख़राब है ना तो इस पार्क में आ जाइए 100 रुपये दे के, वो बढ़िया है, क्योंकि ना थोड़ा आपको अच्छा लगेगा ये हरियाली और ये सब चीज़ें देख के। तो ये यहाँ पे देखिए फतेहपुर सीकरी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, मैंने भी नहीं देखा था, और हिस्ट्री विस्ट्री में कभी पढ़ा था तो अब मैं भूल गई हूँ, इतनी मुझे ना हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं है, मतलब ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बट हाँ ये सब बन गया ना तो थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी और देख के भी अच्छा लग रहा है। ये है फतेहपुर सीकरी का गेट है ये, और फिर आ गए हरियाली में हम, आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, साथ में आप लोगों से बातचीत भी कर ले रहे हैं, करना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आना है ना, तो अब इस टाइम बहुत गर्मी हो गई है यहाँ, तो आप लोग आइएगा, मतलब अब शाम को आइएगा, मतलब 4-4 बजे के बाद आइएगा, और इसकी मैंने टाइमिंग नहीं बताई है, ये 10 बजे सुबह ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक रहेगा, बट आप 4-5 बजे के बाद आइएगा, यहाँ की लाइटिंग वाइटिंग भी जल जाती है तो ये और सुंदर लगता है, और अभी बहुत गर्मी होने लगी है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी यहाँ पर क्या क्या है। कोई एक और चीज़ भी मुझे देखने मिल गई, चलिए इसको भी दिखा रहे, मुझे अभी ढूंढना पड़ रहा है ना, ना वृंदावन का राधा कृष्ण जी का मंदिर है, ब्याके बिहारी मंदिर है ये, देखिए कितना सुंदर सा है। तो यहाँ पर भी इसकी देखिए हिस्ट्री लिखी हुई है, ब्याके बिहारी मंदिर है, और यूपी का ये उत्तर प्रदेश में है, और क्या बोलते हैं मथुरा ज़िले में वृंदावन में है, और राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हैं पूरा, तो आप लोग आकर हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ी बता दी आप लोगों को। तो ये ब्याके बिहारी मंदिर देख लीजिए, पर ना मेरा लव यूपी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर ना सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो आप लोग भी यहाँ कर आकर ना सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। लोकेशन भी लिखा है ना, तो इससे भी आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, तो इस साइड बहुत सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं। ये यहाँ पर अच्छा है ना कि यहाँ पे ना गर्मी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली है ना, थोड़ी हवा हवा आ रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। विंध्याचल टेम्पल तो देख सकते हैं कितना सुंदर है, और फ्रेंड्स पता है आप लोगों को ये ना कबाड़ से बनाया गया, मतलब जो जो चीज़ें ना हम लोग अपने घर में ना फेंक देते हैं ना, कबाड़ी को बेच देते हैं, उन सब चीज़ों से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, और कोई देख के कहेगा ये कबाड़ की चीज़ों से बना हुआ है, कबाड़ की चीज़ों से इतना सुंदर बनाया इन लोगों ने कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए इसके ना 100 रुपये इसी बात के लिए गए हैं, क्योंकि ये ना इतना वेस्ट मटीरियल से इतना बढ़िया चीज़ों की नक्काशी करके बनाई गई है, और ये भी बहुत सुंदर है। भी आगे चलते हैं, ये है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, मतलब ये शिव जी का मंदिर है, तो ये देखिए ये कितना सुंदर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। पता है कहीं मत जाओ, बस यहीं आ जाओ, सब कुछ यहीं घूम लो, कोई कहीं ले नहीं ले जाने वाला, मैं मम्मी की इकलौती बिटिया, उन्हीं के साथ रहूँगी जीवन भर, तो कहीं नहीं जाऊँगी, जहाँ मम्मी वहाँ बिटिया। तो ये देखिए यहीं देख लो आके, यहाँ पर देखिए बीच बीच में आप लोगों को ये आर्ट देखने मिलेगी, ये ग्राउंड है ये बड़ा सा, तो अभी यहाँ पर ना ये एरिया में फूड कोर्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर ना ये बच्चों का गेम वेम जोन है, और ये सब यहाँ पर अभी है,
और ये एरिया ऐसा भी वहाँ पे खाने पीने का हो रहा है, तो इन फ्यूचर हो जाएगा उधर ना, वहाँ पे बोटिंग हो रही है। तो चलो अच्छा चलते हैं और रेट बताते हैं आपको बोटिंग का क्या रेट है। तो यहाँ पर ना बोटिंग करनी है ना, तो आप लोग यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। 50 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज है, मतलब एक बोट का 50 रुपीज़ चार्ज है, और 5 से 10 मिनट आप लोग यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। ये एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये एरिया में वहाँ तक घूम सकते हैं। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ का ना ये वाला जो होटल जो भी कुछ भी बनेगा ना, अब इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मुझे लगता है ना ये बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं चलने के लिए, और बीच में भी इन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है। ये देखिए सब ना बैम्बू के स्टिक्स लगा रहे हैं, तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या खाने पीने को है। अभी जरा थोड़ा इनसे पूछ पाछ के बताते हैं आप लोगों को। आप क्या खाने में? समोसे है मैम, खस्ता है, पनीर पेटीज है, आलू पेटीज है, फ्रेंच फ्राइज है, वेजेस पोटैटो है। अच्छा, अभी ये सब चीजें खाने को मिल जाएंगी आप लोगों को। ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ले लिए आप लोगों को, बता दी गई थी यहाँ पे क्या क्या खाने पीने को मिल रहा है। ज़्यादा ने पानी बोतल 20 रुपये खर्चा हो गया मेरा, हो बड़ा बड़ा कॉस्टली वीडियो बनेगा खाने पीने का भी, बट मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया, मैं घर से खाना आना खा के आई थी भैया। यहाँ पे आने का मतलब है, अगर मैं ये कह रही हूँ नॉर्मल फैमिली, मतलब मम्मी पापा और एक या दो बच्चा साथ में आए, तो 250-300-400 रुपये का जो टिकट हो जाए, फिर अंदर थोड़ा बहुत खाए पिए, बोटिंग में बैठे, तो मतलब 1000 रुपये या 500 रुपये जब हो किसी पास नॉर्मल फैमिली वाला, तो वो यहाँ आकर घूम सकता है। हाँ, जैसे बच्चे का बर्थडे वर्डे हो तो बच्चे घुमाना हो तो यहाँ ला सकते हैं, उसकी नॉलेज भी अच्छी होगी, पिकनिक भी बढ़िया हो जाएगा, तो सबके लिए ठीक है। तो बच्चों के लिए 500-1000 रुपये तो बर्थडे पर हम लोग खर्चा कर ही सकते हैं, तो उसके लिए ठीक है। ऐसे करके चलेंगे हम लोग। कोई होता ना यहाँ पे मेरे साथ आज ना, तो मेरी मस्त मस्त रील बना देता, चलते बलते थोड़ा वीडियो में भी दिखती है। यहाँ पे सब देखे एंजॉय कर रहे हैं, पैक की है मतलब। तो यहाँ पे 4 फैमिली, मतलब 25 रुपये एक पर्सन है, 4-5 भी लद जाओ तो ये वाली चलो ठीक है। देखिए ये यहाँ पे बोटिंग कर लीजिए, यहाँ से चलते हैं, अभी देखिए क्या क्या है। लोग ना थोड़ा भूल भुलैया लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ना जहाँ बड़ी बड़ी वो दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ चली जा रही हूँ, और अच्छा है, मज़ा आ रही है मुझे। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कोई मेरे साथ होता तो कम से कम ना मेरी रील्स बना देता, फ़ोटो क्लिक कर देता, अंदर आने का इतना पैसा लगा तो थोड़ा मैं भी वसूल लेती, बट कोई नहीं, मैं वीडियो बना कर फुल्ली वसूल लेती हूँ अपना पैसा, ऐसा नहीं है। तो भी एक और चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए तुलसी जी का ये देखिए ये घर, मतलब मंदिर टाइप का ये देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब अभी गिट्टी पड़ी है यहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए बहुत लोगों ने इसको नहीं दिखाया होगा, बट कोई नहीं, सब कुछ दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे ना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये। ये भी देखिए झोपड़ी वोपड़ी टाइप की बनी है, वेस्ट मटीरियल से पूरा बना हुआ है। ये देखिए कुंभ मेला यहाँ पे, पर ना आप लोगों को ना थोड़ी बहुत ना जानवर देखने मिल जाएंगे, नकली जानवर। अभी आपको यहाँ पे ना चीता शेर भी दिखाते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं चीता शेर से। देख सकते हैं आज मैं शेर के बगल में खड़ी हुई हूँ, और मुझे यहाँ पे खड़े होते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हेलो, ये देख लीजिए हिरन देखने मिल जाएगा, ये देखिए तोता वोता देखने मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चीता शेर के साथ तो फ़ोटो क्लिक ही करा लो, क्योंकि वो चीता वीता और शेर वेर के साथ फ़ोटो अच्छे अच्छे नहीं क्लिक करा पाते। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके साथ भी एक बनती है फ़ोटो मेरी, सेल्फी। हाँ, दिखने में यार डरावना लग रहा है। और पता है गाइस, देखिए ये जो ना शेर चीता बना है, आप लोग देखिए, ये देखिए, ये ना देखिए वो है गाड़ी का जो नहीं होता है, अरे जो साइकिल के पहिया में गोल गोल लगा रहता है, इसे चेन खींचती है ना, इसको क्या बोलते नहीं पता। देखिए ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है पूरा। ये देखिए सब जो स्कूटी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, और भी चीज़ें, देखिए ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है, मेटल से बना हुआ है, मेटल से। देखिए चीता देखने मिल रहा है, वो भी मेटल का, सोच लीजिए आप लोग ये पार्क कितना बढ़िया है। ये है महापरिनिर्वाह मंदिर, और ये बुद्ध जी का मंदिर है आई थिंक, और नाम बड़ा बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का है। तो ये देखिए ये ऐसे ही बुद्ध जी लग रहे हैं मुझे, लेटे हुए मंदिर हैं, तो ये साउथ का मंदिर होगा पक्का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना कुछ जाना पहचाना मंदिर लग रहा था, यहाँ मैं जा चुकी हूँ, ये गोरखनाथ टेम्पल है ये,
जो गोरखपुर में स्थित है। देखिए है देवी पाटिल टेम्पल, ये देखिए इतनी देर से ढूंढ रही थी ना, वो मुझे फाइनली मिल गया है, राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। तो जय श्री राम कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए, मेरी तरफ से भी आपको जय श्री राम। तो यही मंदिर मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से, वो फाइनली मिल गया मुझे यहाँ पे। बैठ गई हूँ, जो अभी आप लोगों को दिखा रही थी ना, बड़ी मजबूत है यार, मैं इतनी मोटी हूँ बट मैं बैठ गई हूँ उसमें, टूटी टाटी नहीं। भैया पुराने ज़माने का लोहा वोहा बड़ा मजबूत होता है। देखिए छोटी सी बच्ची मिल गई है, तो क्या नाम है आपका? राधा वर्मा। स्कूल जाती हो? हाँ। कह रही है इसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। देखिए ये भी आज छोटा सा बाबू है, मजा आ रहा है यहाँ पे। बहन है? अच्छा तुम बहन हो, मतलब लग रहा है कि बाबू हो तुम। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए बाय बाय कर दो। लखनऊ का है बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़े के भी यहाँ दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए बड़ा इमामबाड़ा तो मैं देखती रहती हूँ, मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है। ये ई मंत्र से देखिए कुछ बना है, और ये देखिए ये फ्रेंड्स देखिए ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए ये कीबोर्ड है ना, जो हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड्स होते हैं हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर में कीबोर्ड्स होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उसका ये पूरा बना हुआ है। तो लुक एट दिस, अपना नाम लिख दो, नाम लिख दो यहाँ पे लाला मजनू के लिए, ये जगह बढ़िया है। नाम क्या लाना चाहिए? नाम लिखते हो यार, लाला मजनू यहाँ आकर नाम लिखते अगर ये कीबोर्ड चल रहे होते तो। राधा रानी टेम्पल तो देख सकते हैं आप लोग, पार्क सही में ही भूल भुलैया है। मैं इतनी देर से यहाँ पे गोल 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 चक्कर काट रही हूँ, सोच रही हूँ एग्जिट कहाँ से होगा जाए, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, और अब तक मुझे एग्जिट ही नहीं मिल पाया, थक गई अलग पैदल चल चल के। खूब एनर्जी लेके आना, खूब सारा खा के आना। अब पता नहीं यहाँ अंदर खाने पीने का सामान ला सकते कि नहीं ला सकते, इसे मुझे पता नहीं है, बट अभी मुझे जल्दी से मिल जाए भैया, मैं जा रही हूँ कुछ काम से मुझे जाना है। ज़्यादा टाइम वाइम मेरे पास था नहीं, बट मैं सिर्फ वीडियो बनाने आई थी आप लोगों के लिए, और कभी फैमिली के साथ आऊँगी फिर से। थोड़ा बहुत बना लिया, मतलब इतना बना लिया है कि आप लोगों को सब नॉलेज देने के लिए काफ़ी है। अरे भैया थक गए, एग्ज़िट नहीं मिला। एग्ज़िट पता है किस साइड है? आई थिंक जहाँ पर, मतलब ये जो वाला एरिया मैंने दिखाया था ना, जहाँ पे ये फूड कोर्ट बन रहा है, मतलब नहीं जहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे पानी नहीं, जहाँ से मैंने लिया था, ये वाला एरिया है, यहाँ से आप लोगों को एग्ज़िट वाला रास्ता मिलेगा शायद, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले मैं खुद ही ढूंढ लूँ। इसे सीधे आइएगा तो एग्ज़िट आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ना ये टिकट ना आप लोग बचा के रखिएगा, कहीं अंदर अंदर फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि जब ये बाहर जाएंगे ना तो आपको ये टिकट देना पड़ेगा। वैसे तो मैंने ना इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, तो आप लोगों के भी आना है, आ सकते हैं इस पार्क में, घूम टहल सकते हैं, बहुत सुंदर सा बना है, बच्चों को लेके आएंगे ना तो बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। चार्ज वर्ज मैंने बता दिया है आपको, अंबेडकर पार्क के जस्ट सामने ये यूपी दर्शन पार्क खुला हुआ है। तो चलिए मैं सोच रही इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आप लोग कोशिश करिएगा आप लोग ना शाम को ही आइएगा, या फिर जिस दिन मौसम अच्छा हो ना उसी टाइम सुबह आइएगा। तो चलिए आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसे मुझे प्यार करते रहिए। और होली आ रहे हैं तो बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो बाय बाय।